हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो माउथ वाटरिंग रेसिपी है उसे देख के आपको पता ही चल गया होगा। ये है समर स्पेशल इंस्टेंट आम का अचार। कच्ची केरी का अचार बना रहे हैं, इंस्टेंटली बना रहे हैं, बट आराम से 1 से 1.5 महीना आप इसे स्टोर कर सकते हो। इसे कैसे स्टोर करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पिकल्स हम बना रहे हैं उसमें आपको कुछ ध्यान रखना होगा। पहले तो केरी जो चॉइस करेंगे, मतलब जो रॉ मैंगो हम चॉइस कर रहे हैं, वो या तो राजापुरी या फिर तोतापुरी ही, और एल्स लाडवा केरी जो आता है पिकल्स के लिए मोस्टली यूज होता है वो आप कर सकते हो, या फिर अल्फांसो जो मेन है कच्ची केरी आपको यूज करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसे अच्छे से पीसेस में कट करना है। पहले वॉश करना है, कपड़े से साफ करना है, सूखा कर लेना है, फिर कट करना है जैसे आपको पसंद है वैसे, बड़े छोटे पीसेस। उसके बाद उसमें आपको 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट को आप चाहे तो थोड़ा सा भून लीजिएगा, ड्राई रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हो ज्यादा दिन तक अगर आपको स्टोर करना है तो। अब मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। टॉस करेंगे अच्छे से, चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए जिससे अचार जो है वो खराब नहीं होता है। कुछ चीजों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो इससे आप आराम से बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हो। जैसे बताया था मैंने, जो मेजरमेंट था सॉल्ट का था, यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून 1/2 टेबल स्पून हल्दी। टॉस कर लिया, इसे एक तरफ रखेंगे जब तक मसाला बना है। थोड़ा सा पानी छूटेगा, अगर ज्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो ये पानी को आपको निकाल देना होता है, और आपको शेडो में मतलब छाया में ही इसे प्लेट पे या फिर कपड़े पे केरी जो है मतलब रॉ मैंगो है उसे सुखा लेना होता है, फिर आप सेम मसाला कर सकते हो। उससे और भी ज्यादा दिन तक ये अचार स्टोर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मसाला बनाएंगे। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए एक कढ़ाई ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून सौंफ ले लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब, या फिर 1/2 टेबल स्पून जीरा यूज कर सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाना यूज किया है, 1/4 टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन यूज किया। यहाँ पे आप चाहे तो जो कलौंजी आती है वो भी 1 टीस्पून यूज कर सकते हो, मैंने नहीं किया है क्योंकि नहीं था, बट कलौंजी यूज करने से और भी ज्यादा टेस्ट आता है। सो यहाँ पे इन्हें ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि स्लाइटली इनका मतलब कलर भी चेंज होगा, एकदम कलर चेंज नहीं करना है, स्लाइटली धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है रायका कुरिया, येल्लो मस्टर्ड स्प्लिट आती है पिकल में यूज होती है, वो आप कोई भी शॉप में मिल जाएगा वो। और मैंने साथ ही साथ में मस्टर्ड भी ऐड किया, मतलब वो राई जो हम तड़के में यूज करते हैं वो भी ऐड किया। वो टोटल मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून ईच लिया था। आप चाहे तो पूरा यहाँ पे राई तड़के में जो यूज करते हैं वो यूज कर सकते हो, या फिर येल्लो राई का दाने मिलते हैं वो यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो दोनों में से एक। तो यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है अरोमा आने तक, फिर उससे मिक्सर जार में ले लीजिएगा, कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद पीस लेना है। अब यहाँ पे तेल ले लिया है मैंने, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो तिल का तेल यूज कर सकते हो, और उसे अच्छे से धुआं आने तक गर्म करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। और मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना जरूरी है धुआं आने तक, उसमें जो एक तेज सी स्मेल होती है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी छूट चुका है जो रॉ मैंगो है उसमें, अब इसी के अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज किया है। तीखा पसंद करते हो तो तीखा वाला आप मिर्च पाउडर यूज कर सकते हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत ही ब्यूटीफुल आता है, इसलिए मैंने ये यूज किया है। मेरे घर पे ज्यादा तीखा नहीं खाया जाता है। सो यहाँ पे जो मसाले हमने पहले ड्राई रोस्ट किए थे, ठंडे होने के बाद उसे पीस लिया है, उन्हें भी ऐड कर देना है। पूरा मसाला आपको ऐड करना है जितना भी आपने पीसा था वो, अच्छे से मिक्स करना है चम्मच की मदद से। कलर अभी से ही बहुत अच्छा आया है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो तेल हमने गरम किया था थोड़ा सा ठंडा हो चुका है स्लाइटली, अगर बहुत ज्यादा ठंडा हुआ है तो फिर से फ्लेम ऑन कीजिएगा, और आगे के मसाले इसमें ऐड करेंगे। आगे के मसाले में मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा तेल को गरम कर लिया, राय आपको ऐड करना है 1/2 टीस्पून के करीब, जीरा 1/2 टीस्पून, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे 6 से 7 कश्मीरी रेड चिल्ली, ड्राई रेड चिल्ली जो भी होगा रेड वो ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप किए हुए लहसुन ऐड किए हैं। लहसुन को फाइनली चॉप करके ऐड करना है, थोड़ा सा इसे हमें अच्छे से फ्राई होने देना है, स्लाइटली ब्राउन कलर, एकदम ब्राउन नहीं होने देना है, और कुछ देर के लिए रुकेंगे, एकदम गरम गरम ऐड नहीं करेंगे अचार में, स्लाइटली बबल्स बैठेंगे तेल के तब उससे इस अचार में हमें ऐड करना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत दिन तक चलेगा। अगर आप चाहते हो और भी
कुछ दिनों तक इससे आपको 2 महीने तक खाना है, तो आपको 1 कप ऑयल का यूज करना होगा। ऑयल सेम मेथड से ही आपको यूज करना है। अगर सनफ्लावर ऑयल आप यूज करते हो तो ज्यादा एकदम गर्म करने की, मतलब धुआं धुआं निकालने की जरूरत नहीं है, बट मस्टर्ड ऑयल हो तो सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अच्छे से यहाँ पे ऑयल को मिक्स करना है। 2-3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऑयल एकदम ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे, मुझे इसे और 1-2 महीने के लिए मतलब स्टोर करके रखना है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी सिरका। सिरका मतलब खाने वाला जो विनेगर आता है वो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब। इससे खटास भी बहुत अच्छी आती है और साथ ही साथ में टेस्टी लगता है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप सिरका खाते नहीं हो तो आपको यहाँ पे 1 से 2 नींबू का जो रस आता है वो ऐड करना है, वो आप अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सभी ऑप्शंस भी आपको दे दी है, आपको क्या करना है, क्या यूज करना है। सो फ्रेंड्स, ये अचार जो है उसे कैसे स्टोर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपको जो भी मतलब अचार यूज कर रहे हो वो कांच का होना जरूरी है, अच्छे से वॉश किया हुआ और सनलाइट में सुखाया हुआ, एकदम गरम गरम हुआ तब तक आपको उसको सुखाना है सनलाइट में। सनलाइट नहीं है तो क्या करेंगे, गैस पे उल्टा कर देना है जार को, स्लाइटली दूर पकड़ के गरम कर लेना है, इस तरीके से वो स्टरलाइज हो जाएगी तो अचार जो है वो लॉन्ग समय तक चलेगा। और मैंने जो वघार किया था इसमें लास्ट में, उसमें हींग भी ऐड किया था, तो हींग अगर आप ऐड करते हो तो उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है। सो इस तरीके से स्टरलाइज की हुई कांच की जार में आपको इस अचार को स्टोर करना है। फ्रिज में आप इसे आराम से 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। बाहर अगर आप रखते हो, हाथ आपका गिल्ला नहीं है, बर्तन आप अच्छा यूज करते हो, तो ये आराम से 15 दिन तक बाहर अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टेंट बनने वाला कच्ची केरी का अचार मैंने यहाँ पे रेसिपी शेयर की है, खाने में लाजवाब था, आप ट्राई जरूर कर सकते हो। अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मेरा गुजराती चैनल है, अगर आप गुजराती में रेसिपी देखना चाहते हो तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।